अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मैथमेटिक्स का फोर्थ लेक्चर है, लेकिन थर्ड में आवाज़ सही ना आने की वजह से जो है उस लेक्चर को रिपीट कर देते हैं। एफ ऑफ एक्स, तो उस सबसे पहले हमें फंक्शन देना पड़ता है। फंक्शन ना भी दें तो तब भी गुजारा हो जाता है, लेकिन फंक्शन कैसे देते हैं हम उसको ही तरफ देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स ऑफ इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, सिंपल फंक्शन दिया मैंने ताकि आसानी से समझ आ जाए। तो ये ऊपर वाला गलत टाइप हो गया, तो उसको हम रिमूव कर देते हैं जी। ये फंक्शन आ चुका है और जी का फंक्शन है मेरे पास, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर। तो जी ऑफ एक्स का फंक्शन आ चुका है, अब हमने प्लॉट ड्रा करना है। प्लॉट लार्ज ब्रैकेट और एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स से मुराद ये ऊपर जो फंक्शन दिया गया है, गिवन फंक्शन है, ये उसकी वैल्यू लेगा x फ्रॉम -22 to 2। यहाँ हम ले लेते हैं, तो ये ग्राफ आ चुका है। अगर मैं इस ग्राफ की वैल्यू इंक्रीज करना चाहता हूँ तो ये मैं 5 से 5 तक दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम दोनों फंक्शंस को एक ही ग्राफ में देना चाह रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? प्लॉट f स्मॉल ब्रैकेट्स और f ऑफ x एंड जी ऑफ एक्स, और एक्स की वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है -2 to 2। ये ग्राफ बन चुका है। अब इस ग्राफ के अंदर, इस ग्राफ में यहाँ वैल्यू जो है वो एक्स एक्सिस के पॉइंट्स ज़्यादा हैं और वाई एक्सिस के कम हैं। इसको बैलेंस करने के लिए हम जो कमांड यूज़ करते हैं उसे कहते हैं एक्सपेक्टेड रेशो, तो हम उस पर चलते हैं। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसी कमांड को हम कॉपी कर लेते हैं। हमने इसे कॉपी कर लिया और इसी को पेस्ट कर लिया, तो इसी में एडिशनल कमांड एक यूज़ करते हैं। एक्सेप्ट रेशो वो आ चुका है, एक्सेप्ट रेशो ऑटोमेटिक। तो हम उसने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जो है वो बैलेंस कर दिया है अपने आप, उनकी जो लेंथ है उनका स्केल है वो इक्वल आ चुके हैं दोनों के। तो अगर मैं इसे ऑटोमेटिक की जगह 0.5 दे दूं तो इसका मतलब है 1/5। 1/5 से मुराद कि जो y की वैल्यू है वो आपकी 1 है और सॉरी 1 है और आपकी जो x एक्सिस की वैल्यू वो 2 है। मींस यहाँ पे स्केल की वैल्यू हाफ होगी y एक्सिस x एक्सिस की नस्बत, क्योंकि ये रेशो जो है वो शो करता है y ओवर x को। तो हम इसकी मज़ीद वैल्यू चेंज कर लेते हैं 2, तो y की वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, x एक्सिस की कम हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं अगर आप उसको चेंज करना चाहें। इसके बाद हमारी x एक्सिस और y एक्सिस को रिमूव करने की, अगर हमें ग्राफ बनाने के दौरान x एक्सिस और y एक्सिस की ज़रूरत नहीं है तो फिर हम क्या देंगे? जी, मैंने कॉपी किया हुआ था पहले से, तो एक्सिस लिख लेते हैं एक्सिस। हाँ, उसके बाद मैंने, आपने देखा होगा कि मैं वो एरोज डाल रहा हूँ, तो एरो कैसे डालना है, आपने माइनस का बटन क्लिक करना है और आपने ग्रेटर देन का बटन क्लिक करना है, फिर स्पेस ये आपका बन जाएगा। इसमें लिख देता हूँ फॉल्स, ये मैंने फॉल्स लिखा तो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो रिमूव हो चुका है। ये जो है वो कर्सर मैं दोबारा दिखा देता हूँ कीबोर्ड से, कीबोर्ड आ गया मेरा और ये माइनस, और उसके बाद शिफ्ट। मैं इसे कोशिश करता हूँ यहाँ पे टाइप हो जाए, यहाँ मैं टाइप करना कोशिश करता हूँ, माइनस शिफ्ट और ये कैपिटल और फिर स्पेस, तो ये आपका एरो बन जाता है। इसी को हम रिमूव कर देते हैं। जैसे हमने फाल्स लिखा है, अगर हम ट्रू लिख देते हैं ट्रू, तो फिर एक्सेस शो होंगे। अगर मैं चाह रहा हूँ कि एक एक्सेस आए और एक ना आए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कर्ली ब्रैकेट्स और फॉल्स, कर्ली ब्रैकेट बंद, एक एक्सेस आएगा क्योंकि पहला जो एक्स एक्सेस को जाहिर कर रहा है, दूसरा जो है वो वाई एक्सेस को जाहिर कर रहा है, तो आपका एक एक्सेस एक्सेस का होगा, एक वाई एक्सेस का होगा। मगर पहले वाला आप फॉल्स कर लें और दूसरा आप ट्रू कर लें, ट्रू ट्रू कैपिटल आना चाहिए, तो आपका ये चेंज हो चुका है।
आपने अब एक्सेस जो है वो लेबल करना है, प्लॉट एफ ऑफ एक्स। अच्छा जी, मैं ये बार बार एफ ऑफ एक्स लिख रहा हूँ, अगर अगर कोई बंदा फंक्शन बयान नहीं करता तो आप उसकी वैल्यू इस फॉर्म में दे दें, एक्स ऑफ माइनस टू 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 इस फॉर्म में लिख लें। तो मैंने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को नाम देना है एक्सेस लेबल, एक्सेस लेबल ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक, तो ये नाम इसने, एक को तो उसको पता है, एक का उसे मालूम है कि इसका एक्स एक्सेस नाम है, दूसरे का उसे नहीं पता तो वो उसे नहीं देगा। तो अगर हम इसकी ब्रैकेट्स डाल लेते हैं, नाम खुद देना चाह रहे हैं, एक्स और वाई दो नाम रख दिए, तो दोनों के एक्स और वाई इसमें नाम रख दिए। मैं इधर एक्स एक्सेस रहने देता हूँ या एक्स एक्सेस लिख देता हूँ, इधर वाई एक्सेस लिख देता हूँ, तो आपका वही नेम लिखा आ जाएगा आपका। तो ये इसके लिए तरीका यूज़ होता है नाम देने के लिए। आगे नेक्स्ट कमांड है हमारी लेबल, हमने जो है वो ओरिजिन, सॉरी हमने ओरिजिन करना है, लेबल हमने दे दिए, हमने ओरिजिन करना है इसका, ओरिजिन कहाँ पे होगा, एक्सेस ओरिजिन, एक्सेस ओरिजिन के लिए हम, मैं लिख देता हूँ ऑटोमेटिक एक्स ओरिजिन, ये ओरिजिन आपका वहीं पे है जहाँ होना चाहिए था ये पॉइंट। तो मैं दोनों के लिए बना लेता हूँ क्योंकि मैं दोनों के लिए ग्राफ यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं साइन ऑफ एक्स, ये ज़रूरी नहीं है लेकिन मैं वैसे लिख रहा हूँ ताकि दोनों के लिए ग्राफ बन जाए, आपको समझ आ जाए। अच्छा, यहाँ ओरिजिन जो है इसका 0 0 है, अगर मैं इसका 0 0 की बजाय एक्सेस चेंज करना चाह रहा हूँ, इसका ओरिजिन चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसकी जगह बता देता हूँ। मैंने दिए 2 2, मैंने इसकी जगह बता दिया 2 2, तो इस जगह पे मैं 1.5 कर देता हूँ, मैं इधर आपका 1 कर लेता हूँ, इस जगह पे 1, तो ये आपका एक्सेस ओरिजिन जो है वो चेंज होता जाएगा, आप इसको चेंज करके देख सकती हैं। अब एक्सेस को आपने कलर करना है, एक्सेस स्टाइल देना है और इसको कलर करना है, इसके लिए कौन सा तरीका है, एक्सेस स्टाइल, एक्सेस स्टाइल थिक, इसकी मोटाई ज़्यादा हो चुकी है, थिक की बजाय हम कोई और कमांड दे लेते हैं, कलर रेड, रेड कर दिया मैंने, तो दोनों एक्सेस रेड हो चुके हैं, थिक भी आ गए। अच्छा, इसके लिए आप एक और भी दे सकते हैं, डायरेक्शन, तो इसके लिए मैं लिखता हूँ दोनों के लिए सेपरेट रेड और ग्रीन, तो इसके बाद डायरेक्शन पे आते हैं, एक रेड हो गया, एक ग्रीन हो गया, इसमें हम देते हैं डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑरेंज एंड 12। डायरेक्शन में आप देखें कि इसका फॉन्ट इंक्रीज हो गया, आपका एक साइड का जो है वो फॉन्ट है वो इंक्रीज हुआ है, तो 12 की बजाय मैं इसमें 20 करता हूँ ताकि आपको वाजह नज़र आ जाए, ये देखें। तो आपका जो वाई एक्सेस है उसकी डायरेक्शन हमने चेंज करके ओरिजिन ऑरेंज कर दिया है और साथ उसका 20 कर दिया, तो मैं इसमें थिक जो है वो ऐड करना चाह रहा हूँ, थिक थिकनेस, ओके, तो ये बोल्ड हो चुका है। तो इस तरीके से हम एक तो रेड हमने दिया, दूसरा हम इसमें डायरेक्शन का वर्ड यूज़ करके इसमें डिफरेंट कमांड्स और भी ऐड कर सकते हैं। अब आपको मसला ये आ रहा है कि यहाँ पे हम कलर्स कैसे देंगे, कलर्स, कलर्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ कि किस 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 क्या क्या आएंगे, रेड ग्रीन, उसके बाद है हमारे पास ब्लू, उसके बाद है पर्पल, पर्पल के बाद हमारे पास है ऑरेंज, उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं ब्लैक, तो ये इस सॉफ्टवेयर में आपके कलर यूज़ होते हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से थिक की कमांड है और फॉन्ट की कमांड है, वो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं डायरेक्शन में,
डायरेक्शन वर्ड के अंदर। अगर स्टाइल एक्सेस के आगे मैं थिक लिख देता हूँ तो ये दोनों मोटाई में आ जाएंगे। अगर मैं दोनों को ब्रैकेट्स के अंदर अलग अलग देता हूँ तो आपने एक जो पहली वाली है कॉमे से पहले पहले जो है आपने एक के बारे में बताना है और दूसरा दूसरे के बारे में बताना होता है। लेकिन अगर मैं डायरेक्शन का वर्ड यूज़ करता हूँ दोनों साइड्स पे, आप एक एक्सेस के लिए अलग बता रहे हैं दूसरे एक्सेस के लिए अलग बता रहे हैं, जैसे डायरेक्शन मैंने बता के इसकी थिकनेस भी बता दी, कलर भी बता दिया, उसका फॉन्ट भी बता दिया, या कोई और चेंजिंग करनी हो वो आपकी हो सकती है, तो कलर्स वाली जगह पे आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं वो भी आप देख लेते हैं। इनमें से कोई भी नाम यूज़ किया जा सकता है जहाँ पे भी कलर का वर्ड यूज आ जाए। तो उसके बाद आप कलर्स अगर आप खुद बनाना चाह रहे हैं कलर नेम, तो हम ये ले लेते हैं तरीका इसका 0.4 0.7, पॉइंट से कम देने हमने 0.3, तो ये कलर बन चुका है मेरे पास। अगर मैं चाहता हूँ खुद मेरे पास आ जाए नंबर ये आर, तो यहाँ से आप इसकी एडजस्टमेंट कर लें कि मुझे कौन सा नंबर चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, तो ये आपको हम कलर बता सकते हैं। आर जे जे बी ओके, हाँ यहाँ आया था हमारा। नहीं, जैसे भी आपने कोई भी कलर यूज करना चाह रहे हैं तो ओके, तो इसको आप यूज कर सकते हैं कलर्स को निकाल के। इसके बाद अलग कलर के लिए एक और कमांड होती है फाई, उसमें भी आपने 0.8 दिया तो ये कलर चेंज हो गया। इसके भी आपको सेपरेट से इसके अंदर कलर्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद है कलर नेगेटिव, मतलब जो कलर आपको नहीं चाहिए होता है वो आपने यूज करना है। कलर नेट ओके, यहाँ पे रेड कलर नहीं चाहिए तो रेड की नेगेटिव में आपको कलर चाहिए, नेगेटिव कलर आ गया रेड का। उसके बाद है ब्लेंड कलर, ब्लेंड करना है आपने कलर्स को, तो कलर्स को ब्लेंड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप कौन सा यूज़ करेंगे, ये कमांड। जैसे मैंने रेड और ग्रीन को मिक्स करना है, ग्रीन को मिक्स किया तो मेरे पास ये कलर बन गया। तो ये आप कोई भी उठा के आप इसकी जगह कमांड यूज़ कर लें। यहाँ ऑरेंज है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, मैं इसकी जगह जो है वो आर जे बी कलर लिखा और इसके बाद मैंने लिख लिया 0.2 0.5 0.6, देखते हैं क्या कलर बनते हैं। ओके, इसने आर बी डी कलर लिखना था, मैंने आर जे बी अकेला लिखा हुआ है, कलर कलर ओके ये हो गया। ये देखें ये कलर चेंज हो गया आपका। यहाँ पे मैं कलर कोई और दे देता हूँ 1, तो ये ब्लू बन चुका है हमारे पास। तो इस तरीके से हम इसके कलर दे के इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है फिलिंग एक्सेस, फिलिंग का कमांड्स आ जाती हैं, एक्सेस को फिल करना है तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और इसके बाद पेस्ट, क्लोज, फिल। फिलिंग में आपके पास फिलिंग स्टाइल है, फिलिंग ट्रांसफॉर्मेशन है, तो मैं सिंपल फिलिंग्स वाली कमांड्स लेता हूँ। टॉप देखें किस तरीके से फिल कर रहा है, बॉटम, मैं इधर बॉटम यूज़ कर सकता हूँ, बॉटम आ गया। टॉप लेना है अब आपने इधर ही, तो टॉप में आ चुका है। एक्सिस, इसमें जो कमांड यूज़ होती हैं ज़्यादातर एक्सिस वाली है, एक्सिस क्या आपने इतना समय उसको करना है एक्सेस, और इसके बाद आपने इसे लेना है 0.2 के लिए, 0.2 के लिए। अच्छा, चूंकि हमारे पास दो चल रही हैं, ये ब्रैकेट्स के अंदर डबल फंक्शन है, तो आप डबल के लिए भी दे सकते हैं। डबल के लिए कैसे देंगे, टॉप और दूसरे के लिए बॉटम, एक के लिए टॉप होगा एक के लिए बॉटम होगा। इसने यूज़ नहीं किया इसे, इसको करना चाहिए था। ओके, ये दोनों के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं इसे। चलें देखते हैं इसे। चलें इसकी बजाय हम एक और यूज कर लेते हैं, 1 1 से एक्सिस की तरफ, एक्सिस की तरफ, तो ये 1 वाला आया, 1 के लिए एक्सिस की तरफ है, और 2 के लिए हमारे पास
बॉटम, ये देखिए हाँ अब आ गया सेपरेट सेपरेट दोनों के लिए, वन के लिए बताना है और टू के लिए बताना है। तो मैं वन के लिए एक और बता सकता हूँ, टू तक, वन से टू तक के लिए। तो वन और टू के दरमियान जो है वो कलर चेंज हो रहा है हमारा। अच्छा, इसके बाद हमने इसका कलर भी चेंज करना है। मैंने टू के लिए लिया है तो वन वाले गए, इसमें मैंने एक और ब्रैकेट इंक्रीज की वन के लिए, एक तो टू तक अप्रोच करे और उसका कलर येलो हो जाए, येलो येलो आ गया मेरे पास। तो अगर ये सारा रिमूव करके आप फिलिंग फिलिंग टॉप बॉटम करके ब्रैकेट्स के अंदर और आप उसको येलो कर दें तभी आपका आ जाएगा, आप उसको कलर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा इसको आप चेंज कर करके देखें, ये बहुत बड़ी कमांड है, आप इसको खुद चेंज करके देखिएगा, अगर ना पता चले तो पूछ लीजिएगा। इसके बाद है हमारी लेबल, लेबल करना है हमने, लेबलिंग करनी है। आप इसी को मैंने कॉपी किया हुआ है, इसी को पेस्ट कर लेते हैं। हमने प्लॉट लेबल्स, लेबल एल बढ़ाना चाहिए था मेरा, लेबल्स और ये आ गया मेरे पास। अब ब्रैकेट्स के अंदर इसको लेबलिंग करनी है। साइन ऑफ एक्स, जो फर्स्ट फंक्शन है मेरा वो साइन एक्स का है, नहीं एक्स एक्सिस का है, एक्स स्क्वायर। ओके, दूसरा फंक्शन है मेरा साइन ऑफ एक्स का, ये इसका लेबल आ चुका है, देखते हैं रनिंग में क्या करते हैं। ये मेरे पास लेबलिंग आ चुकी है दोनों ग्राफ्स की, इसने दोनों ग्राफ्स का नाम बकायदा तौर पे साइड पे लिखा हुआ है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए मैंने स्केयर देना था तो यहाँ पे इसने एक्स पावर टू बना दिया है, तो यहाँ एक टूल होता है आप उसको इस्तेमाल कर लें, बेसिक मैथ असिस्टेंट, प्लेटिस के अंदर है बेसिक मैथ जो है असिस्टेंट, वो आ चुका है मेरे पास, यहाँ से आप इसको यूज़ कर लें पावर को, पावर का इस्तेमाल करना है यहाँ पे नहीं है, टाइपिंग सेटिंग में देखते हैं, ये पड़ा तो यहाँ टू लिख लें। अब इसको रन करके देखते हैं, ये एक्स स्क्वायर बन चुका है मेरे पास। मैंने इसका साइज देना है, लेबल का साइज जो है वो लेबलिंग साइज, तो यहाँ हम दे देते हैं 200, इसकी अपनी कमांड है, 200 हमने दे दिए। आप इस साइज को कम करके देख लेते हैं 100 पे क्या फर्क पड़ रहा है, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, लेबलिंग साइज का सिर्फ थोड़ा सा आ रहा है, तो इसको जैसे बड़े करेंगे शायद उसकी वजह से वो। प्लॉट को लेबल करना पड़ जाए अगर हमें, प्लॉट को लेबल, तो हम प्लॉट को कैसे लेबल करेंगे, प्लॉट लेबल, प्लॉट को लेबल हम कर लेते हैं, जो भी कमांड्स दी जाती है ना वो मतलब कमेंट्स दिए जाते हैं वो आप इसी फॉर्म में देते हैं, ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर, तो यही वैल्यू लिख लेते हैं कॉपी यहाँ पे, वरना मुझे वो गूगल असिस्टेंट में जाके जो है वो लिखना पड़ेगा। तो ये आ गया मेरे पास प्लॉट का नेम, प्लॉट का नेम रखा है हमने। अगर हम चाहते हैं प्लॉट लेजेंड्स के लिए, तो प्लॉट लेजेंड्स कैसे लिखते हैं, प्लॉट मैंने कॉपी नहीं किया हुआ, चले तो यही सारा वैसे कमांड कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट प्लॉट लेजेंड लेजेंड्स, और इसके लिए एक्सप्रेशन कमांड दी जाती है, एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन की कमांड आ चुकी है हमारे पास, इसने इसको लेबल किया है साइन ऑफ एक्स और कॉस ऑफ एक्स की फॉर्म में। अगर मैं इस जगह पर इसकी इसका नेम लिख दूं, नेम दे दूं कोई और, ब्रैकेट्स लिख के अगर हम नाम दे देते हैं इसका, नाम दे देते हैं साइन ऑफ एक्स, ओके कैपिटल लिख दिया मैंने साइन ऑफ एक्स, और दूसरे के लिए मैंने यूज़ किया है
एक्स, तो फिर भी आपका ये बन जाएगा, ये आपको नज़र आ रहा है साइन और एक्स के फॉर्म में, दोनों को दे दिए, उल्टा लिखा गया, लेकिन ये लिखा जा सकता है आपका। प्लॉट स्टाइल के अंदर जो हमने प्लॉट ड्रा किया, इसका कलर चेंज करना पड़ जाए मुझे, ये प्लॉट का कलर चेंज करना पड़ जाए, तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें, कलर हमने कैसे देना है, तो कलर्स की तरफ चलते हैं। ये प्लॉट स्टाइल, यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और इधर आके हम इसे पेस्ट कर देते हैं। ओके, मैं इसे सारे को दोबारा कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे दोबारा कॉपी करना ना पड़े। आगे है प्लॉट स्टाइल, प्लॉट स्टाइल, और इसके लिए हमने इस्तेमाल करना है कलर्स, कलर्स का इस्तेमाल करना है रेड, और मैं करना चाहता हूँ ग्रीन। तो दो कलर्स आ गए, प्लॉट का कलर चेंज हो चुका है। अगर मैं इनको बोल्ड करना चाह रहा हूँ, तो जैसे मैंने बताया था कि जहाँ कलर्स या स्टाइल्स के बारे में बताते हैं, वहाँ डायरेक्शन यूज़ कर लें, डायरेक्टिव, और उसके बाद आपका आ जाता है। तो डायरेक्टिव के लिए कमांड क्या थी हमारी, इसके साथ एरोज आते हैं, हमने एरोज लिए थे, नहीं वैसे ही हो गया मेरा, ठीक है। तो इसमें हम देते हैं थिकनेस, थिकनेस के अंदर जाके फिर आप उसकी छोटी सी ब्रैकेट देख के फिर आप बता सकते हैं कि उसका थिकनेस कितनी होनी चाहिए। ग्रीन नाम दे दिया, और इसका साइज मैंने दे दिया है 22। तो क्या चेंज आया, ये चेंज आ रहा है ग्रीन, ये दूसरे में देखें आप ग्रीन वाली लाइन, उसमें काफ़ी चेंज आई है। तो अगर मैं इसका 40 कर दूं, तो क्या चेंज आता है। ओके, फॉन्ट इसमें नहीं है क्योंकि, इसलिए इसका 40 का कोई कमाल नहीं है, थिकनेस का ज़रूर कमाल हो सकता है, थिकनेस। ओके, थिकनेस के लिए फिर मुझे बताना पड़ेगा, थिकनेस के लिए मुझे 20 थिकनेस बता रहा हूँ, तो कितनी आ रही है, ये तो बहुत ज़्यादा कर दी इसने, तो 2 ले लेते हैं, थिकनेस 2 भी बहुत ज़्यादा है, तो पॉइंट्स में होनी चाहिए हमारी, इसका मतलब है हमारी पॉइंट्स में होनी चाहिए, तो पॉइंट्स में देख लेते हैं, ये नहीं कम हो गई है, तो थिकनेस हम ले लेते हैं 2.02 थिकनेस आ चुकी है, ठीक है। तो इसके अलावा 1 नॉर्मल आ गई है, कम हो गई है और ज़्यादा, तो ये थिकनेस के वाले से आ चुकी है हमारी। और भी इसमें डिफरेंट डायरेक्टिव में हम इसकी डिफरेंट कमांड्स दे के इनकी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, मैंने सिंपल दिए अभी कमांड्स वगैरह। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हम ऐड कर सकते थे, डैश, जो स्टाइल है ना उसका डैश हम उसमें दे दें, तो ये डैश में आ गया हमारे पास। तो ये साइज़ हम कर्म कर दें ना अगर, तो फिर ये डैश में काफ़ी आपको वाज तौर पे नज़र आ सकता है। अच्छा, इसके साथ ना एक कमांड हमारी रह चुकी है फ्रेम की, फ्रेम के हवाले से हमारी कमांड जो है ना वो रह चुकी है। ये फ्रेम जो हम लगाते हैं ना ये ऊपर वाली साइड पर, तो उसको कैसे देना है हमने, आपको मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, और यहाँ हम दे देते हैं फ्रेम, फ्रेम और फ्रेम स्टाइल है ट्रू, ट्रू से मुराद वो फ्रेम जो है वो आपको नजर आएगा इसका। अच्छा, इससे ना एक और चीज़ जो हमने लेजेंड्स दी थी, लेजेंड्स की प्लेस दी थी हमने आपको, जब हम किसी चीज़ का नाम रखते हैं तो वो ग्राफ के अंदर एक साइड दरमियान के अंदर शो हो रहा होता है, तो हम वो लेजेंड्स का इस्तेमाल करते हैं दोबारा से एक बार। प्लॉट लेजेंड्स, और लेजेंड की प्लेस हमने बतानी है प्लेस्ड, इसका नाम भी रखना है हमने, प्लेस भी देना है उसका नाम भी रखना है। नाम हमने रखा फिर एक वही जो पहले था, एक्सप्रेशन वही जो आपने लिखा हुआ है वही आपका दोबारा आ जाएगा, और आप इसकी जगह के बारे में बता रहे हैं, तो 0.25 और हमने ले लिया 0.75, 0.75, ओके। तो यहाँ हम कॉमा डाल लेते हैं, ये कहाँ पे आ गया, ये नीचे चला गया हमारे पास फिगर के अंदर इस जगह के ऊपर। तो अगर हम इसकी अच्छा इसमें अगर हम चेंज करके देखें 2
हाँ 7 पॉइंट मैंने गलत लिख दिया, 0.75 लिखना था। अब देखते हैं, ये आ चुका है मेरे पास, इसकी प्लेस में हम इसको जगह चेंज करके बता सकते हैं। तो आज का हमारा इतना ही लेक्चर है। ओके, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।